दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के फिक्सेशन स्थायी पॉलिसी को लेकर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई भोपाल की तरफ से नया अपडेट है। अतिथि शिक्षकों के लिए भी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश में अतिथि शिक्षकों ने जो याचिकाएं हाई कोर्ट में लगाई थी, तो हाई कोर्ट की तरफ से प्रदेश के शिक्षा विभाग को आदेशित किया गया था कि अतिथि शिक्षकों के जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर उनके पद का फिक्सेशन किया जाए। इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से डीपीआई ने संज्ञान लिया और उनके प्रकरण को अमान्य किया गया। वहीं यहाँ पर बता दें, इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने पिछले कई महीनों से बड़े बड़े आंदोलन लगातार कर रहे हैं। आपको कम्प्लीट जानकारी बताएंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट गए। अतिथि शिक्षकों के मामले पर सुनवाई के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने इनके लिए इनकार किया है। लाभ दे सके ऐसा नियम ही नहीं है, इसलिए अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। तो ये अब तक की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर 16-17 सालों से अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय और अस्थायी व्यवस्था के तहत काम करते हैं और अब लगातार अपने पद के स्थायीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनके नियमित लेकर लोक शिक्षण को निर्देश दिए थे, शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे, लेकिन वहां से नियमों का हवाला दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि 15 साल से वो लगातार अपनी मांगों को लेकर इसी तरह प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन हड़तालों में कोई खास फर्क नहीं आया है। वहीं अन्य प्रदेशों में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी यही मांग उठ रही है। प्रदेश में लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक हैं जो अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों पर हर शैक्षणिक सत्र पर देते हैं। वहीं हाई कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने उनके नियमितीकरण की मांग को नियम न होने की बात कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है, यानी इनकार कर दिया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान मिला दें कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का नियम नहीं है। यही तो अतिथि शिक्षकों की मांग है कि विभाग या लोक शिक्षण या फिर प्रदेश की सरकार नियम बनाए और अतिथि शिक्षकों को नियमित करे। तो मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 3 साल से 15 साल तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की याचिका लगाई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई कर मध्य प्रदेश के नियमों का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का प्रावधान नियम न होने की बात कहते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन अमान्य कर प्रकरणों का निराकरण कर दिया है। देवास जिले के घटिया कला सोनकच्छ निवासी याचिकाकर्ता राजेश कुमार चंद्रवंशी ने उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर और इसी तरह ग्वालियर और जबलपुर हाईकोर्ट में भी कई अतिथि शिक्षकों ने उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में सुनवाई कर 1 से 2 माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में प्रस्तुत किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और डीएड भी हैं, बीएड भी है, ये इनका प्रशिक्षण है और 3 से 15 वर्षों तक वह सरकारी स्कूलों पर लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव रख रहे हैं। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की थी और अपना आवेदन हाईकोर्ट में लगाया था, लेकिन नियम का हवाला देते हुए यहाँ पर उनके जो प्रकरण को अमान्य किया गया है। आपको बता दें, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यवेतन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देश में परीक्षण लोक शिक्षा संचालनालय ने किया हुआ है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों के लिए मध्य प्रदेश में जो प्रावधान है उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती
की जाती है। सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, लेकिन यहां पर विभाग ने बड़ी ही चतुराई के साथ एक पेंच, एक नया पॉइंट डाला। अगर आप 25% कोटे का लाभ, गेस्ट कोटा का लाभ ले रहे हैं, तो आप 75% कोटे में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके नंबर भले ही इन 75% वाले जो कैंडिडेट हैं तो इनसे ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको कोटा 25% ही दिया जाएगा। ये DPI का एक बड़ा खेल था, जबकि नियमानुसार होना ये चाहिए था कि 25% में से अगर नंबर के अनुसार मेरिट बनती है और गेस्ट सेलेक्टेड है तो उसको यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए थी ज़्यादा नंबर होने के कारण, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर 25% से बाहर उनको जगह नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र कार्य किया था और 200 दिवस जिनके थे, इस आरक्षण का लाभ मिलता था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित स्कूलों विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना जरूरी था इसका लाभ लेने के लिए। अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों के अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरे जाने का भी प्रावधान यहाँ पर निर्देश में बनाया गया था। इन 25% आरक्षित पदों पर ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान रहता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, नियम नहीं है, इसलिए इन याचिकाकर्ताओं के आवेदन का जो प्रकरण है वह अमान्य किया गया और प्रकरण निराकृत किया गया। तो आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों का जो मांग है, उनकी लड़ाई भी यही है कि अगर कोई नियम नहीं है तो आप नियम क्यों नहीं बनाते हो। तो ये नियम बनने चाहिए थे, क्योंकि ये स्कूलों पर 16-17 सालों से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास अनुभव भी है 16-17 साल मध्य प्रदेश में। और ये BJP के सरकार के द्वारा ही अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई थी शुरुआती, और इस योजना में सरकार को बड़ा ही फायदा नजर आया, क्योंकि अगर हम अतिथि शिक्षकों के मानदेय की बात करें, उनको वेतन नहीं मिलता है, मानदेय मिलता है। अभी वर्तमान की व्यवस्था पर बात करेंगे 2024 की, तो उनके मानदेय में जिस वर्किंग डे में वो स्कूल अगर नहीं जाते हैं तो उस दिन का उनका पैसा कट जाता है, उनको छुट्टियों का प्रावधान नहीं है। और यहाँ पर पहले पीरियड का था, अभी जो है उनका डेली वेजेस कह सकते हैं, डेली वेजेस की तरह उनको मिलता है, यानी जितने दिन वो जाएंगे विद्यालय वर्किंग डे में उतने दिन का उनका पेमेंट बनेगा, मासिक भी नहीं है। क्योंकि अगर वह नहीं जाते हैं और स्कूल लगा हुआ है तब उस दिन का उनका जो वेतन है वह कटेगा, यानी फिक्स नहीं है, मिलता मासिक है लेकिन उनका फिक्स नहीं है, अब्सेंट का कटता है, छुट्टियां उनको नहीं मिलती हैं, तो इसमें भी उनको बड़ा घाटा है। और जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का प्रमोशन का नियम, उसमें 12 अगर वर्ष हो गए हैं वर्ग 3 के शिक्षक को, वर्ग 2 के शिक्षक को या वर्ग 1 के शिक्षक को, तो उसमें उनको एक प्रमोशन मिल जाता है। 12 साल अगर वो सेवाएं दिए हैं, वर्ग 3 का कोई शिक्षक रेगुलर शिक्षक है और 12 साल से वह स्कूल पर शिक्षक है, तो उनको वर्ग 2 कैडर अलॉटमेंट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, पद दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का तर्क इसी बात पर आधारित है कि वह 16-17 वर्ष काम किए हैं और उनको कोई भी उसके एवज में लाभ नहीं दिया जा रहा, जबकि नियमित शिक्षकों के लिए नियम है कि 12 साल में उनको पदोन्नति दिया जाएगा या क्रमोन्नति तो मिल ही जाती है। तो ये पूरा मामला है, सरकार के ऊपर है, अगर चाहे तो उनको लाभ दे सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी राय बताइएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा।